सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। हमारे संतरा जी के सरगम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक गणगौर माता की कहानी सुनाती हूँ, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको जो भी भजन कहानी सुननी है वो हमें कमेंट करके बताएं। आइएगा आप सुनते हैं गणगौर माता की कहानी। राजा ने बाया जोचना, माली ने बाई दूब। राजा का जोचना बढ़ता गया, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली सोचो कि आपा ने देखो चाहे जी सो, राजा का जोचना तो बढ़ता जावे रहा, अपनी दूब घटती जावे। माली एक दिन गाज के ओले छिप करके नहीं बैठी और सब कुछ देखता रहा। सारी छोरियाँ आई और दूब तोड़ कर ले जाने लगी। जद माली कोई का तो लहंगा खोस लिया और कोई की ओढ़नी ले ली और बोलियो कि थे मारी दूब ने तोड़ कर क्यों ले जाओ हो। सारी छोरियाँ बोली कि मैं 16 दिन गणगौर पूजा हाँ, जी दिन मारी गणगौर विदा होवेंगी वह दिन थाने सीरा लापसी का कुंडा भर करके नहीं दे जावांगा। 16 दिन छोरी गणगौर पूज लिया, विदा हुई जा दिन सारी छोरियाँ सीरा लापसी का कुंडा भर कर देकर मालन ने देगी। बारने से उको बेटो आयो मालन को और बोलियो कि माँ मन तो भूख लाग रही है। उकी माँ बोली कि बेटा आज तो सारी छोरियाँ हैं जो सीरा लापसी का कुंडा भर कर दे के गई हैं, ओबरी में रखी हैं सो खोल ले। छोरो ओबरी जाकर खोलने लागो तो छोरा से ओबरी कोने खोली। माँ से आकर बोलियो कि माँ ओबरी तो खुले ही कोने। छोरा की माँ बोली कि तू पराई जाई ने कया डाबे गो, थार से ओबरी तो खुले कोने। छोरो बोलियो कि माँ पराई जाई ने तो मैं ढाब लेंगो पर मार से ओबरी कोने खोली। जद उकी माँ चिटली आंगली का छींटा दिया, जद ओबरी खुलगी उ मैं देखे तो ईसर जी तो पीछो बांध रहे हैं। गोरा बाई चरखो कातरी है और सारा सब चीज़ का भंडार भरा है। ईसर जी सो भाग सब कोई ने दीजो और गोरा को जिसो स्वाग सब कोई ने दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अधूरी को पूरी कर जो, पूरी का प्रमाण दीजो। बोलो गणगौर माता की जय।